नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल फिलहाल में चर्चा में रहे सालू नाम पर। सालू एक ऐसा नाम है जो राजनीतिक घराने से कोई नेत्री या फिल्मी जगत से कोई बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं है, बल्कि सालू आजकल में चर्चा में रहे एक रोबोट का नाम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सालू एक रोबोट का नाम है और इसलिए ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। ये क्या है, कैसे बनाया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इत्यादि पर हम लोग आज के इस संक्षिप्त वीडियो में देखेंगे। तो सालू एक रोबोट है जिसे उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मड़ियाहू के निवासी दिनेश पटेल जी के द्वारा बनाया गया है। और दिनेश पटेल जी वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के एक टीचर हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी डिजाइन, इसमें विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन डालने और बनाने का काम किया। इसे प्लास्टिक, गत्ते और एल्युमिनियम जैसे धातुओं और अवयवों के माध्यम से बनाया गया है और इसे कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्तर पर सूचनाएं प्रेषित करने के लिए जो है सक्षम बनाने में जो है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके निर्देशन में इसे बनाया गया है। तो अगर इसके विशेषताओं को जो है देखा जाए, इसकी विशेषताओं को जो देखा जाए तो ये बेसिकली भारत सहित जो है 38 अन्य भाषाओं में प्रश्नों को समझ सकती है और उसका उत्तर देने में जो है ये रोबोट सक्षम है। और इसे सूचना के लिए, प्रश्न के लिए, कार्य के लिए कई प्रकार से जो है इसका यूज जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। और इन सभी बिंदुओं पर यह सक्षम तरीके से जो है प्रतिस्पर्धी तरीके से जो कार्य करने में पूरी तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माता के द्वारा इसका नाम जो है सालू रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से महिलाएं सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र के जो है योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, उसी तरीके से इस भाव को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्होंने रोबोट का नाम सालू दिया है। ये वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमारे जीएस के पेपर 3 में जो है विज्ञान और तकनीक में रोबोटिक्स को रखा गया है, जहां पर हम इस चीज को जोड़ करके देख सकते हैं। और यह दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण तरीके से ज्ञान का जो है प्रतीक और ज्ञान के उपलब्धि के रूप में जाना जा सकता है, जहां पर जौनपुर से संबंधित एक शिक्षक के द्वारा जो है इस रोबोट को जो है डिजाइन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश भी वर्तमान समय में अन्य प्रदेशों की तरह से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है और वर्तमान में आधुनिक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रोबोटिक्स जो एक प्रतीक है, जो विभिन्न प्रकार के खतरनाक क्षेत्रों में काम करने के लिए जो है जाना जाता है, उस क्षेत्र में जो है उपलब्धियां रही हैं, उस क्षेत्र में जो है इस चीज़ को विकसित करने का जो है श्रेय दिया जा सकता है। इसकी जो विशेषताएं रोबोट की ये होती हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पे खतरनाक फील्ड माना जाता है वहां पर भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जान माल की कोई नुकसान की संभावना नहीं होती है। बॉर्डर लाइन पर काम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के बम को डिफ्यूज करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में रोबोट का जो है महत्व बढ़ रहा है। तो ये सालू जिस पर हम लोगों ने आज की चर्चा किया, ये कोई नेता अभिनेता ना होकर के ये जो है रोबोट है, जो कि रोबोटिक्स की फील्ड में उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक के द्वारा, जो कि कंप्यूटर साइंस में जो है टीचर हैं, उनके द्वारा बनाया गया, डिजाइन किया गया एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हम लोग सालू नाम के एक रोबोटिक्स के बारे में जो है अध्ययन किया। आगे पुनः संक्षिप्त वीडियो में हम लोग आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।